दोस्तों अजरबैजान के वीजा के नाम पे आजकल सबसे ज्यादा बहुत बड़ा बड़ा स्कैम चल रहा है, बहुत बड़ा लोगों को धोखा दिया जा रहा है, लोगों को वीजा दे दिया जाता है और उन लोगों से पैसा ले लिया जाता है। बाद में पता चलता है कि भाई वीजा तो ऑनलाइन शो कर रहा था लेकिन उनके साथ में बहुत बड़ा धोखा हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपको भी अजरबैजान का काम हुआ है, अगर आपको कोई भेज रहा है अजरबैजान, तो आप लोग सतर्क रहिएगा, किसी भी अनजान आदमी के साथ में आप लोग जाकर मत फंस जाइएगा कि बाद में आपको पता ही नहीं चले कि भाई वो कहाँ का था, अब मुझे पता ही नहीं चला। बहुत ऐसे लोगों के साथ में आज के डेट में फ्रॉड हो रहा है और मैं आपको बताना चाहूंगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, किसी भाई ने एक भेजा हुआ था चेक कराने के अजरबैजान का वीजा और इंश्योरेंस पेपर, ट्रेवल इंश्योरेंस पेपर जो होता है। तो वीजा तो मुझे पता है मेरे भाई की 2 से 2500 रुपया लगता है इंडिया का और वीजा आपको निकल जाता है, ठीक है। और इंश्योरेंस पेपर के जहां तक बात रहा, मैंने इंश्योरेंस पेपर को देखा, इंश्योरेंस पेपर को देखते ही मैं समझ चुका था ये इंश्योरेंस पेपर जो है एडिट किया हुआ है, ये फेक है। और ऐसे में मैंने इंश्योरेंस वाले कंपनी के पास इस ईमेल किया इस पेपर को साथ में अटैच करके, और इंश्योरेंस कंपनी के तरफ से भी ईमेल का रिप्लाई आया था। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, डायरेक्टली वो बता रहा है कि ये डिटेल्स मैच नहीं कर रहा है, यानी कि वो फेक है, ठीक है। इंश्योरेंस वाला पेपर जो उसने दिया था एजेंट ने, वो 100% फेक था। अब रहा बात ये वीजा का, तो वीजा मेरे भाई 2000 से लेकर 2500 के अंदर अंदर 2-3 दिन में आप लोग खुद अजरबैजान का वीजा, ई वीजा जो होता है ये निकाल सकते हैं। आप एक बात समझिए मैं जो बताने वाला हूँ। मान लीजिए कोई एजेंट है जो जिसको आप जानते नहीं है ना पहचानते हैं, अगर आप उसके साथ में जाकर के काम कराना चाहते हैं अजरबैजान में किसी भी कंपनी का, अगर वो झांसा देकर बता रहा है कि मेरे पास इस कंपनी के काम है और आपको सैलरी अच्छा खासा बता रहा है, तो आप उसके चक्कर में जल्दी मत पड़िएगा। मानिए कि अजरबैजान के नाम पे आपसे सबसे पहले वो मेडिकल करा कर 3-4 हजार रुपया ले लिया, 4 हजार रुपया मानिए कि आपसे वो ले लिया मेडिकल करा करके, और उसके बाद से आपका पासपोर्ट रख लिया, ठीक है। उसके बाद वो अप्लाई कर दिया वीजा के लिए। अब वीजा जैसे मैंने बताया आपको कि 2000 से लेकर 2500 रुपया तक, यानी 2600 रुपया इंडिया का 2600 रुपया लगेगा और आपको वीजा निकल जाएगा। अगर वीजा निकल जाता है वो आपके पास वीजा भेज देता है आपके ही पैसे से, मेडिकल जो कराया था आपको 4000 रुपया लिया नॉर्मल मेडिकल का, तो 4000 रुपया नॉर्मल मेडिकल में कभी जिंदगी में नहीं लगता है, मैं इसके दावे के साथ मुझे पता है क्योंकि मैं ये सारे काम सारे चीज से निपट चुका हूँ और मैं देखा हूँ ये कि कितना पैसा नॉर्मल मेडिकल में लगता है। खैर मैं बताने वाला इस वीडियो में नहीं हूँ क्योंकि बहुत ऐसे लोग एजेंट है कि जिनका यही एक बिजनेस है, लेकिन जो लोग भी आप लोग काम करते हैं अगर एजेंट लोग हमारे वीडियो को देखते होंगे, तो भाई आप लोग किसी भी इंसान से अगर 4000-5000 रुपया लेते हैं तो जेन्युइन लीजिए। पैसा अगर लेते हैं, अगर मान लीजिए कि अपना पॉकेट खर्चा अपने बाइक का तेल का खर्चा अगर ले रहे हैं आप लोग, आप लोग जॉब कर रहे हैं इसी में आपका काम चल रहा है, तो आप लोग किसी गरीब आदमी को ऐसे मत फंसाइए, झूठ साँच बोल करके मेडिकल मत कराइए। और किसी कंपनी में अगर आप लोग भेज रहे हैं तो अच्छे कंपनी में देखकर ही भेजिएगा। तो मेरे भाई मान लीजिए 4000 रुपया अगर आपसे कोई एजेंट लेता है और उसमें से आपको 2500 रुपया लगा करके वीजा निकाल देता है और आपके पास वीजा भेज देता है, बोलता भाई वीजा चेक कर लीजिए, और आप लोग जाकर के अजरबैजान का वीजा को चेक करेंगे आपने पासपोर्ट नंबर से और वीजा नंबर से, तो ऐसे शो करता है अगर पूरा वीजा निकल जाता है तो आपको लगेगा कि भाई ये वीजा है। उसके बाद वो एजेंट आपसे डिमांड करेगा 50,000 या 60,000 या 70,000 रुपया, ठीक है, और 70,000 रुपया दे देंगे आप फिर फ्लाइट के चक्कर में कि आपका फ्लाइट होने वाला है, ठीक है। और 70,000 रुपया देने के बाद अगर वो 70,000 रुपया दे दे और उसके बाद आपका फ्लाइट ना कराए, आपका फ्लाइट ना कराए, आपको मोबाइल बंद कर दे, आपका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दे, फिर क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते आप, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर जान पहचान का एजेंट है जिसको आप जानते हैं तो पकड़ सकते हैं, जा सकते हैं उसके घर पे, लेकिन जिसको आप जानते नहीं है, मोबाइल नंबर किसी मिला है फेसबुक से या व्हाट्सएप से या किसी के थ्रू, तो उसको क्या पता आप कहाँ का है, कहाँ से जाकर पकड़ेंगे? आप ही का पैसा लेकर के आप ही से वीजा निकाल दिया, वीजा ऑलरेडी शो कर रहे हैं 2500 रुपया लगाया और आपका ही पैसा वो लगाया, या अपना ही पैसा लगा दे और उसके बाद आपसे 70,000 रुपया दे ले, तो आपका कितना नुकसान हुआ आप लोग समझ सकते हैं। तो मेरे भाई अगर आप लोग भी अजरबैजान का वीजा का चक्कर में पड़े हुए हैं, तो अगर अजरबैजान का अगर कोई भी इंसान अगर आपको वीजा देता है तो मेरे भाई कंपनी से कंफर्म कर लीजिएगा। ये लोग कंपनी का वीजा नहीं देते हैं, ये लोग ई वीजा देते हैं, ई वीजा निकाल कर देते हैं, ठीक है। और ई वीजा के चक्कर में बहुत ऐसे लोगों के साथ में धोखा हुआ है मुझे मालूम है। तो आप लोग अपना ख्याल रखें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें और ताकि दूसरे लोगों के साथ में कोई धोखा ऐसा ना हो। उम्मीद करते हैं मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा अपने यूट्यूब चैनल पर हम लेकर के आते रहते हैं, जिसमें हम बताने का पूरा कोशिश करते हैं कि अगर आपको कोई जॉब ऑफर लेटर दिया है, वीजा दिया है, फ्लाइट का टिकट दिया है, इमिग्रेशन पेपर दिया है, और भी बहुत तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर हमेशा आता रहता है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।